गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th, बोथ मीडियम, सब्जेक्ट संस्कृत, पाठ 1, शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण। सबसे पहले आपको दिया गया है पद्यांश। पद्यांश 1, दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनीशम कालाय चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते शरणे मुना स्नायेव जनग्रसनम। इसके शब्दार्थ देखिए। दुर्वह मतलब कठिन, दुभर, जीवितम मतलब जीवन, अनिशम मतलब दिन रात, कालाय चक्रम मतलब लोहे का चक्र, शोषयत मतलब सुखाते हुए। इसका अनुवाद है, यहाँ महानगरों में जीवन दुभर हो गया है, अब तो प्रकृति तथा स्वच्छ पर्यावरण ही शरण है। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को निरस करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदैव टेढ़ा घूम रहा है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। पद्यांश 2 देखिए। कज्जल मलिनम धूमम मुंजति शत शकटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वनम यानानां पंक्तयोः हन्तनः कठिनं संस्मरणम् शुचिः पर्यावरणम्। कज्जल मलिनम का मतलब है काजल सा मलिन, काला। धूमः का मतलब है धुआं। मुंचति का मतलब है छोड़ता है। शत शकटियानम मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्प यानमाला रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरन्ति देती हुई। ध्वानम कोलाहल। संसरणम चलना। इसका अनुवाद है, सैकड़ों मोटर कारें काजल जैसा गंदा धुआं उगल रही हैं। रेलगाड़ी धुआं छोड़ती हुई दौड़ती है। वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं जिससे चलना कठिन है। पद्यांश 3 है। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुस्तित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम करणीयम बहिरंत जरगति तु बहु शुद्धिकरणम। इसके शब्दार्थ हैं, भ्रशम मतलब अत्यधिक, भक्षयम मतलब भोज्य पदार्थ, समलम का अर्थ मल युक्त, गंदगी से युक्त। अनुवाद है, वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निर्मल नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरे पदार्थों की मिलावट है, धरती गंदी हो गई है, संसार में आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि करनी चाहिए। पद्यांश 4 देखिए। कंचित कालम नय मामस्मा नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयहपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात संचरणम। इसके शब्दार्थ देखिए। ग्रामांते मतलब गांव की सीमा पर, पयहपुरम मतलब जल से भरा हुआ तालाब, कांतारे मतलब जंगल में। अनुवाद है, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, गांव की सीमा पर झरने नदी जलाशय देखना चाहता हूँ, एकांत में वन क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो जाए। पद्यांश 5 देखिए। हरित तरुणानाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता स्यान्मे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगम नम। शब्दार्थ हैं इसके, कुसुमावली ही मतलब फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा से चलाई हुई, रुचिरम सुंदर। अनुवाद है, हरे भरे वृक्षों की हरी भरी लताओं की रमणीय माला तथा वायु द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए प्रिय है, आम के वृक्ष से लगी चमेली का सुंदर मिलन हो। पद्यांश 6 देखिए। आई चल बंधो खग कुल कलरव
गुंजितवनदेशं पुरकलरौ संभ्रमितजनेभ्यो ऋतसुखसन्देशं चाकचिक्यजालं नो कुर्याज्जीवत्सहरणम्। इसके शब्दार्थ हैं, खगकुल कलरव मतलब पक्षियों के समूह की ध्वनि, चाल चिक्के जालम का मतलब है चकाचौंध भरी दुनिया। अनुवाद है इसका, हे बंधु पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो, नगर के शोरकुल से व्याकुल लोगों के लिए सुख का संदेश धारण कर लो, चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के सुख का विनाश न करे। पद्यांश सातवा देखिए, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्ठा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवनम श्रणम। शब्दार्थ है, प्रस्तर तले मतलब पत्थरों के तल पर, लतातरु गुलमाहा लता वृक्ष और झाड़ी, पाषाणी मतलब पत्थरली, नसर्गे निसर्गे मतलब प्रकृति में। अनुवाद है, लताएं वृक्ष तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पीसे, प्रकृति में पथरीली सभ्यता न समा जाए, मानव के जीवन की मंगल कामना करता हूँ, मैं जीवित रहते हुए मृत्यु नहीं चाहता हूँ। यहाँ हमारे पद्यांश खत्म होते हैं। अब देखिए अभ्यास, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, अत्र जीवितम की दशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। उत्तर है दुर्वहम, आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। दुर्वह का मतलब होता है दुष्कर्म। प्रश्न ख है, अनिशम महा नगर मध्ये किम प्रचलित, उत्तर है दिन रात महानगर में क्या चलता है, कालयस चक्रम लोहे का चक्र चलता है। ग है, कुस्ती कुत्सी वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरे पदार्थों की मिलावट क्या है। उत्तर है भक्षयम भोज्य पदार्थ। ग है, अहम कस्मे जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ। उत्तर है मानवाय मानव के जीवन की। न देखिए, केशाम माला रमणीया, किनकी माला रमणीय है। उत्तर है ललित लतानाम ललित लताओं की। प्रश्न नंबर दो है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रश्न नंबर क है, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। उत्तर है धरातले दुर्वहम जीवितम जातम, अतः कवि शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृते शरणम इच्छति, धरती पर जीवन जीना मुश्किल हो गया है, अतः कवि शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। प्रश्न नंबर ख है, कस्मात कारणात महानगरेषु संसरण कठिनम वर्तते, किस कारणों से महानगर नगरों में रहना कठिन हो गया है। उत्तर है मार्गेषु यानानाम अनन्तः पंक्तयः सन्ति, अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, मार्ग में वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं इसलिए महानगरों में जीवित रहना कठिन हो गया है। प्रश्न नंबर ग है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल भोजन और धरातल दूषित हो गया है। प्रश्न नंबर घ, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ जाने की इच्छा करता है। उत्तर है कवि नगरात बहुदूरम ग्रामांते एकांतरे कांतरे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि नगर से बहुत दूर गांव में एकांत कोने में रहना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कृदशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। उत्तर है स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वनदेशे
शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम्। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के कलरव से गुंजित वन्य प्रदेश में शुद्ध पर्यावरण में भ्रमण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अंतिम पद्यांश कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? उत्तर है, अंतिम पद्यांशे कवि ही कामना अस्ति यत पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की यह कामना है कि पत्थर की सभ्यता को प्रकृति में समाविष्ट न किया जाए, मानव के लिए जीवन की कामना की जाए। प्रश्न नंबर 3 दिया है, संधि विच्छेद कीजिए। क प्रकृति धन एव प्रकृति रेव, ख स्यात् धन न धन एव स्यान्नेव, ग ही धन अनंतः हन्तः, घ बहि धन अंतः धन जगति बाह्यं जगति, ण अस्मान् धन नगरात् अस्मान् नगरात्, च समचरणं संचरणं, छ धूमं धन मुञ्चति धूमं धूम मुञ्चति। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित अवयवों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इदानी वायुमंडलम भ्रशम प्रदूषित मास्ति, रिक्त स्थान में आएगा भ्रशम। ख अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, रिक्त स्थान में आएगा अत्र। ग प्राकृतिक वातावरणे क्षण संचरणम अपि लाभदायकम भवति, रिक्त स्थान में आएगा अपि। घ पर्यावरणस्य संक्षरणम एव प्रकृते आराधना, रिक्त स्थान में आएगा एव। न सदा समस्या सदुपयोग करणीय, रिक्त स्थान में आएगा सदा। भूकंपित समय भई गमन वेव उचितम भवति, रिक्त स्थान में आएगा बही। छ यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, पहले रिक्त स्थान में आएगा यत्र, बाद वाले में आएगा तत्र। आगे 5वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है, सलिलम इसका पर्यायवाची जलम, ख आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनुः कुटिलम वक्रम, पाषाणः प्रस्तरम। अगला प्रश्न दिया है आपको, इसी में आपको दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। क दिया है सुकरम, इसका विलोम होगा दुर्वहम। ख दिया है दूषितम, इसका विलोम होगा शुद्धम। ग दिया है ग्रहणन्ति, इसका विलोम होगा मुञ्चति। घ दिया है निर्मलम, इसका विलोम होगा समलम। न दिया है दानवाय, इसका विलोम होगा मानवाय। च दिया है शांताः, इसका विलोम होगा अनंताः। छठा दिया है आपको, उदाहरण मनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत, आपको यहाँ ये जो दिए गए हैं इनके समास के नाम लिखना है। पहला है दिया है आपको, मलेल सहितम है ना, इसका समस्त पद है समतलम और समास नाम है अव्यवी भाव। दूसरा दिया है ख हरित तरुणा नाम, इसका समास नाम है कर्मधारय। फिर ग दिया है ललित लता नाम, इसका समास नाम है कर्मधारय। घ दिया है नव मालिका, इसका समास नाम है कर्मधारय। उसके बाद दिया है धृत सुख संदेशम, इसका समास नाम है बहुव्रीह। उसके बाद च दिया है कज्ज मलिनम, इसका समास नाम है कर्मधारय। छ दिया है दुर्दांत दशने है, इसका समास नाम है कर्मधारय। आगे देखिए, आगे दिया है प्रश्न नंबर 7, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए। क दिया है शक्तियानम
कज्जमलिनम धूमम मुंचति। इसका प्रश्न होगा शक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचति। ख दिया है आपको उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। इसका प्रश्न होगा उद्याने केशाम कलरवः चेतः प्रसादयति। ग दिया है आपको उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः। ग दिया गया है पाषाणी सभ्याताम लतारु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। इसका प्रश्न होगा पाषाणी सभ्याताम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। घ दिया गया है आपको महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। इसका प्रश्न होगा कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। न दिया है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते। इसका प्रश्न होगा कस्याः सन्निधौ वास्तविक सुखं विद्यते। यहाँ आपका पार्ट एक समाप्त होता है।